अगली खबर छत्तीसगढ़ से महासमुंद जिले की आ रही है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग में लगने वाले टोल टैक्स को लेकर है। बता दें कि सरायपाली के एक युवक संजय चौधरी और उनकी टीम के द्वारा 11 जुलाई से टोल टैक्स में जिले के वाहनों को साथ ही स्थानीय वाहनों को छूट देने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। वही 15 जुलाई से आंदोलनकर्ता प्रमुख संजय चौधरी के द्वारा आमरण अनशन पर बैठकर आंदोलन को तेज रूप दे दिया गया है। बता दें कि संजय चौधरी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को व्यापक जन समर्थन भी मिल रहा है। आपको बता दें कि दुर्ग राजनांदगांव के अलावा उड़ीसा के बरगढ़ में भी स्थानीय और जिले के वाहनों को छूट दिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि नियम सभी के लिए बराबर होते हैं, लेकिन महासमुंद जिले को अलग क्यों किया जा रहा है? यदि वहां छूट दिया जा रहा है तो यहां भी छूट दी जाए। बुधवार NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के साथ स्थानीय व्यापारी संघ, ट्रांसपोर्टर संघ और किसान बंधु सहित कई संगठनों ने धरना समर्थन दिया। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी ने इन तमाम बातों को उच्च अधिकारी तक पहुंचाने की बात कही है। वहीं आमरण अनशन कर रहे संजय चौधरी ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती यह आंदोलन जारी रहेगा।